हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेक इट इज स्किल्स ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक रिक्रूटमेंट निकला है और ये रिक्रूटमेंट जो है वो मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो है ये रिक्रूटमेंट है। टेक्नीशियंस के लिए ये रिक्रूटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट ये मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, लेकिन जो आपका ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर फिल होगा बच्चों, वो DMRC की वेबसाइट पर जो है, उसकी रिक्रूटमेंट की जो वेबसाइट है, वहाँ से आपका रिक्रूटमेंट जो है, आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो भरा जाएगा। डिटेल्स में जानेंगे बच्चों क्या इस नोटिफिकेशन है में है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको कन्फर्म कर दूँ, यहाँ पर जो है कितने नंबर ऑफ सीट या फिर मैं नंबर ऑफ जो आपके स्लॉट, नंबर ऑफ जितने भी आपके कितनी वैकेंट सीट है, ये यहाँ पर नहीं बताया गया है, ये डिस्क्लोज नहीं किया है। कितने नंबर ऑफ पोजीशंस के लिए जो है वो आवेदन मांगे गए हैं, कुल कितने पद है, ये नहीं बताया गया है, ये नहीं डिस्क्लोज किया गया है। कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई किया गया है। हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है आपको इंटीमेट करें, आपको सूचित करें, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको डिटेल्स में एडवर्टाइजमेंट के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ टेक्नीशियंस के लिए है। मुंबई मेट्रो लेन 3 जो आपकी बन रही है उसके लिए जो है वो रिक्रूटमेंट है। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड MMRCL, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एट मुंबई। मोड ऑफ एंगेजमेंट एंड इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो पूरा जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है कि ये जो एंगेजमेंट है ये आपका पूरा कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट बेसिस होगा। अपॉन ट्रेनिंग सेल बी इनिशियली प्लेस्ड एट मुंबई, शुरुआत में आपका जो है वो ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जो है आपकी पोस्टिंग जो है मुंबई में होगी। इसके अलावा कहीं भी मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू पोस्ट, उसके अलावा आप एनीवेयर इन इंडिया जो है पोस्ट किए जा सकते हैं। पर्पज की अगर बताऊँ टू मीट द इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वर्क ऑफ मुंबई मेट्रो लाइन 3 जो एक्वा लाइन है उसकी ऑपरेशन, उसके मेंटेनेंस के लिए जो है रिक्वायरमेंट मांगी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक आपका जो है सितंबर को 2023 को क्या मीट कर रहा है यहाँ पर देखना होगा। कैंडिडेट हु पास्ड आउट फ्रॉम द ITIs ऑफ द अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नासिक एंड द पुणे रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एज नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट ऑफ DBET महाराष्ट्र स्टेट विद मिनिमम 60% मार्क्स इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर से क्लियर होगी कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये केवल महाराष्ट्र के ITI, महाराष्ट्र के ITI और महाराष्ट्र में भी अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नासिक और पुणे रीजन्स के जितने भी ITI है, इनसे जिन छात्रों ने ITI किया है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का डायरेक्टरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग महाराष्ट्र स्टेट से जिन्होंने ITI किया है विद मिनिमम 60% मार्क्स, वो लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा टेक्नीशियंस की ये पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो कौन कौन लोग जो एलिजिबल है, अगर आप 10th पास हैं या फिर 12th पास हैं और आपके पास ITI, NCVT या SCVT है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर ITI है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग से तो आप लोग एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर ITI, NCVT, SCVT आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्निक, मैकेनिकल कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर से रिलेटेड मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, TV मैकेनिक, इनसे रिलेटेड अगर आपके पास ITI है तो आप यहां पर इलिजिबल है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां पर है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज एज का हो जाता है। मिनिमम एज जो है वो आप 18 साल है, मैक्सिमम जो है 33 ईयर जो है एज यहां पर इसके, ठीक। इसके अलावा रिजर्व कैंडिडेट जो होंगे, रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब जो है ऊपरी आयु सीमा में जो छूट होती है। इसके अलावा पैकेज एंड इनिशियल एंगेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी एंगेज ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, सेलेक्टेड कैंडिडेट को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रखा गया ऑन कॉस्ट टू कंपनी ऑफ द अप्रोक्स 27,000 रुपए जो है आपको वहां पर मंथ जो है दिए जाएंगे विद नो क्लेम ऑफ रेगुलराइजेशन इन द फ्यूचर। द इनिशियल एंगेजमेंट ऑफ अ कैंडिडेट शैल बी फॉर द पीरियड ऑफ 3 साल। ये एंगेजमेंट जो है वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहां पर होगा जो कि और आगे रिन्यू करके बढ़ाया जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी बेस्ड ऑन द मेरिट कम रिजर्वेशन, मेरिट के हिसाब से होगा, रिजर्वेशन के हिसाब से होगा। द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी फॉर द कैंडिडेट शैल कॉम्प्रोमाइज स्क्रीनिंग टेस्ट यहां पर होगा, स्क्रीनिंग आपकी छंटनी होगी जितने भी आप लोग देंगे। इंपेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल ईयर परसेंटेज मार्क्स, जो आपकी मेरिट बनेगी वो फाइनल ईयर के परसेंटेज मार्क्स के हिसाब से बनेगी। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी इंपेनल्ड फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी।
रिप्री इंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन से यहाँ पर आपका होगा। इसके अलावा किस इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के हिसाब से आपका यहाँ पर होगा। इसके अलावा डिटेल जो है आपकी जो है वो www.delhimetrorail.com पे आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड। इसके अलावा करेक्टर से रिलेटेड जो है आपको जो है द सिलेक्शन कैंडिडेट शैल नॉट बी कन्फेयर ऑन राइट ऑफ एंगेजमेंट अनलेस द कॉर्पोरेशन इज सेटिस्फाइड आफ्टर सच इंक्वायरी एज कंसिडर्ड नेसेसरी दैट इज कैंडिडेट हैविंग रिगार्ड हिज करेक्टर एंड अटेंडेंट टू सुटेबल इन रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट। तो बच्चों ये तो आपका हर जगह ही होता है। ट्रेनिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू सर्व द कॉर्पोरेशन फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 3 साल 3 ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ द पीरियड इन विच द रिमेन ऑन लीव विदाउट पे। अ प्रायर नोटिस ऑफ द 1 month शैल बी रिक्वायर्ड बिफोर सीकिंग रेजिग्नेशन फ्रॉम द कॉर्पोरेशन। 1 महीने का आपको जो है आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा आप अगर छोड़ते हैं। इन केस ऑफ एनी कैंडिडेट लीव्स कॉर्पोरेशन विद 3 ईयर द ट्रेनिंग कॉस्ट पोजिशन वाइज शैल बी लायबल हुज अमाउंट एज एप्लीकेबली कम्युनिकेटेड इन द ड्यू कोर्स शैल बी रिकवर्ड। अगर आप जो है नोटिस नहीं देते हैं 1 month का तो आपसे जो है ये रिकवर किया जाएगा। शैल बी रिकवर्ड ऑन प्रो राटा बेसिस रिकवरी ऑफ द ट्रेनिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर माइनस द पीरियड द एंगेजमेंट हैज स्पेंड ऑन ड्यूटी। वो अपना फॉर्मूला लगा के जो है कुल मिलाकर आपसे रिकवरी की जाएगी। कैसे अप्लाई करना है द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू विजिट द लिंक ऑफ द वेबसाइट DMRC की वेबसाइट पर आपको विजिट करना है www.delhimetrorail.com एंड रजिस्टर देमसेल्फ एंड देयर आफ्टर ऑनलाइन आफ्टर 1 अक्टूबर जो है 2023 से जो है द लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन जो है वो आपकी जो है वो 15 अक्टूबर 2023। मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू एनहेंस कटे द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस। क्लियर हो गया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, बहुत कम टाइम दिया है, 15 दिन का मात्र टाइम दिया है, तो आप लोग जल्दी से जो है अप्लाई कर दीजिए अगर आप जो है मुंबई से हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, आपको सारी चीज़ रखनी है अप्लाई करते हुए। ये सारी की सारी चीज़ें रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो रिसेंट स्कैन सिग्नेचर कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ITI NCVT SCVT सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको रखनी है। तो अगर बच्चों आप महाराष्ट्र के इन रीजन के कैंडिडेट हैं तो आप लोग जो है आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, सुनहरा अवसर है। अगर आप महाराष्ट्र के अमरावती औरंगाबाद मुंबई नागपुर नासिक पुणे रीजन से अगर आपने ITI किया है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों, आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों आपका इस तरीके से जो है लिंक आपको खुलेगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, ठीक। यहाँ पर आपको जो है रजिस्टर्ड करना है, यहाँ पर आपको जो है इसके अलावा एक और वैकेंसी यहाँ पर निकली है सुपरवाइजर की, तो ये बच्चों आपका जो है हायर डिप्लोमा या डिग्री लेवल की है, तो आप लोग जो है अपने टेक्नीशियंस के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, तो आपको दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट का जो है को विजिट करना पड़ेगा और यहीं से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। भले ही आपका जो रिक्रूटमेंट है ये किसका है आपका, ये आपका महाराष्ट्र के लिए है, ये आपका मुंबई का है, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है, लेकिन रिक्रूटमेंट जो करा रहा है आपका वो कौन कराएगा, आपका DMRC इसको कराएगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।